Respected Commissioner Sir, GM Sir, इस विद्यालय के प्रिंसिपल साहब, यहाँ पधारे हुए बिशप्स महोदय, अन्य स्कूलों से पधारे हुए फादर, स्कूल के टीचर्स, मीडिया के बंधु पत्रकार, पेरेंट्स, प्यारे बच्चे, हर स्कूल का एक एनुअल फंक्शन होता है, वो वाकई में बहुत यादगार के रूप में होता है, सभी लोग उसको एंजॉय करते हैं। फादर ने हमें बुलाया, हम भी आपके एंजॉयमेंट में शरीक होने के लिए आए। शासकीय बाध्यताएं ऐसी होती हैं कि उनको भी पूरा करना होता है, मुझे और जिलाधिकारी महोदय को दोनों को तुरंत निकलना है। लेकिन थोड़ा सा ग्लिम्स जो हमने देखा, कुछ क्षण यहाँ पर जो हमने देखे, वो इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि यहाँ पर एक्सीलेंस है, क्वालिटी की पहचान है, क्वालिटी एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और लोग मेहनत करते हैं। थोड़े से में हमने बहुत कुछ देख लिया। मैं स्कूल के प्रिंसिपल, पुराने जो प्रिंसिपल्स रहे हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ, वर्तमान स्टाफ को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने इस स्कूल को जो 30 साल पहले शुरू हुआ एक बहुत उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान के रूप में विकसित किया और आज ये बस्ती के सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट शिक्षण संस्थान में से एक है। आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसी तरह का ये कार्यक्रम होता रहे, शिक्षा का स्तर बढ़ता रहे, ये हमारे देश की प्रगति में आगे योगदान देता रहे, ये मेरी शुभकामना आप सबके साथ है। मेरे स्कूल के कार्यक्रम में मैं एक अनुरोध हमेशा टीचर से करता हूँ कि आज हमारे देश को जिस चीज़ की सबसे जरूरत है वो है चरित्र निर्माण। बच्चों में अच्छे संस्कार पढ़ेंगे तो अच्छे देश का निर्माण होगा, एक राष्ट्रीय चरित्र विकसित हो, उससे हमारे देश की एकता और अखंडता मजबूत हो। इसका आह्वान मैं हर जगह पर करता हूँ, जहाँ भी करता हूँ। सभी टीचर से मेरी गुजारिश है इस दिशा में ध्यान दें। हम एक नॉलेज तो गेन करते हैं लेकिन कैरेक्टर भी हमारे डेवलप हो, इसका हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। उसके लिए जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन मिलता रहे, बाकी जो गाइडेंस सबको मिलती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और एक कार्यक्रम आगे तक चलता रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुझे बुलाया इसके लिए मैं आपका आभारी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।